हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स यहाँ पे हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल किस प्रकार से और कैसे निकाला जाता है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको सिंपल तरीका से वृत्त का क्षेत्रफल निकालना बताया गया है फ्रेंड्स वृत्त का क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको वृत्त के बारे में पता होना चाहिए तो चलिए यहाँ पर आपको पहले बताते हैं देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स वृत्त बोलते हैं ठीक है जब यहाँ पे एक इसका केंद्र होगा ठीक है केंद्र से परिधि पर किसी भी पॉइंट को मिलाने पर उसे हम त्रिज्या कहते हैं जैसे यहाँ पे इसको मिला दिए तो इसी को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स त्रिज्या और त्रिज्या को आर से दिखाते हैं ठीक है देखिए फ्रेंड्स वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है वो याद होना चाहिए देखिए वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा फ्रेंड्स पाई आर स्क्वायर ठीक है वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिया है त्रिज्या कितना दिया है इक्कीस सेंटीमीटर अर्थात यहाँ पे आर का मान कितना दिया है फ्रेंड्स इक्कीस सेंटीमीटर इसी में इसको हल करना है देखिए यहां पे हल करते हैं देखिए फ्रेंड्स पाई का मान होता है बाईस बटा के सात ठीक है आर आर के जब कितना दिया है इक्कीस इक्कीस का स्क्वायर रख लेंगे अब इसी को आपको हल करना है आप देखिए कैसे हल कर सकते हैं इसको देखिए बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे फ्रेंड्स देखिए बाईस बटा के यहाँ पर कितना लिखा है सात गुड़े इक्कीस के स्क्वायर का मतलब होता है इक्कीस गुड़े इक्कीस अब यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स देखिए सात से कटाएंगे सात के एम सात सात तरीके इक्कीस अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या करेंगे गुड़ा कर लेंगे देखिए गुड़ा किस प्रकार करेंगे कि पहले यहाँ पे एक, एक बार उतार लेते हैं देखिए बाईस गुड़े तीन गुड़े इक्कीस यहाँ पे गुड़ा कर लीजिए देखिये तीन का बाईस में करेंगे तीन दुना के छः तीन दुना के छः गुड़े इक्कीस अब यहाँ पे आपको गुड़ा करना है छाछठ का इक्कीस में देखिए यहाँ पर कर लेते हैं छा छठ का इक्कीस में गुड़ा देखिए एक छवे छः एक छव छः दू छ का बारह दू छ बारह एक तेरह यहाँ पे छ हो जाएगा दो आठ तीन एक यानी कुल मिला के आपको जब गुड़ा करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जब आप गुड़ा करेंगे तेरह सौ छियासी और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर पे स्क्वायर तो फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और इसका जो यूनिट होता है सेंटीमीटर में स्क्वायर होता है किसी भी क्षेत्रफल का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है चलिए एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की त्रिज्या सात सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या सॉरी दोस्तों यहाँ पे त्रिज्या ना होगा क्षेत्रफल होगा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यानी किसी वृत्त की त्रिज्या सात सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो फ्रेंड्स यही वही कार्यक्रम करेंगे यहां पे देखिए लिखेंगे वृत्त का बराबर पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई आर स्क्वायर देखो पाई का मान कितना है बाईस बटा के साथ रखेंगे आर की जगह त्रिज्या देखिए कितना है सात है तो यहाँ पर लिखेंगे सात का स्क्वायर देखिए फ्रेंड्स हल कीजिए देखिए बाईस बटा के सात सात के स्क्वार का मतलब होता है सात गुड़े सात अब देखिए एक सात से एक साथ कट जा रहा है देखिए सात के एम सात सात के कट गया आपका बच कितना रहा है बाईस गुड़े सात इसका आपस में गुड़ा कीजिए देखिए सात दुना के चौदह होगा सात दुना के चौदह एक पंद्रह एक सौ चौवन सेंटीमीटर स्क्वायर तो फ्रेंड्स यही आपका आंसर हो जाएगा तो फ्रेंड्स वृत्त का क्षेत्रफल जब भी निकालना हो तो आप इसी प्रकार निकाल सकते हैं तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें